हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खादिम इमरान साबरी और पिछली वीडियो में मैंने आपको दरगाह साबिर पाक की मेहंदी डोरी की रस्म के बारे में बताया था और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दरगाह साबिर पाक के 753वें उर्स के प्रोग्राम के बारे में, कौन से दिन छोटी रोशनी है, कौन से दिन बड़ी रोशनी है, कुल शरीफ कब होगा और गुसल शरीफ की रस्म कब अदा की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दरगाह साबिर पाक में पूरी तरीके से लाइटों का जो इंतज़ाम है, जो डेकोरेशन है, वो पूरी तरीके से अब कंप्लीट की जा चुकी है। जहां पर लाइट लगनी थी वहां पर लग चुकी है और पूरी तरीके से दरगाह साबिर पाक को सजा दिया गया है उसके लिए। और दिन पे दिन जो है ज़ायरीनों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि दरगाह साबिर पाक में ज़ायरीनों की संख्या रोज़ाना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उर्स अब बिल्कुल जो है करीब आ चुका है। जब उर्स शुरू हो जाता है तो जितने भी ज़ायरीन लोग आते हैं उनको एक एक करके लाइन के साथ अंदर भेजा जाता है, अंदर प्रवेश दिया जाता है। ये आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सभी लोग दरगाह साबिर पाक में ज़ियारत करने के लिए मजार शरीफ में अंदर जा रहे हैं लाइन के साथ। इन सभी लोगों को जो है एक एक करके दरगाह साबिर पाक में ज़ियारत कराई जाएगी। ये उर्स में ऐसी व्यवस्था की जाती है क्योंकि उर्स में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी तारीख में कौन सी रस्म को अदा किया जाएगा। 18 अक्टूबर 11 रबीउल को छोटी रोशनी होगी। रात 9 बजे कलाम पाक की तिलावत की जाएगी। दरगाह मस्जिद में महफिल समा होगी। 19 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल को बड़ी रोशनी होगी और 3 बजे दिन में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जाएगा और रात 10 बजे दरगाह साबिर पाक में फिर से महफिल होगी। 20 अक्टूबर 13 रबीउल को बड़ा कुल शरीफ जो होता है उसकी रस्म अदा की जाएगी। 21 अक्टूबर 14 रबीउल को गुसल शरीफ की रस्म सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की क्या गाइडलाइन है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जितने भी ज़ायरीन लोग दरगाह साबिर पाक में उर्स में आ रहे हैं उन सभी के लिए मास्क को कंपलसरी किया गया है। और जिस तरीके से पिछले साल झूले, सर्कस, इन सब चीज़ों को, होटलों को, जो बड़े होटल बाहर से आते हैं उन सभी को अभी बंद किया गया है। ना ही होटल लगेंगे, ना ही झूले सर्कस लगेंगे। दरगाह साबिर पाक में आप उसमें आइए, आने के लिए आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मास्क को कंपलसरी किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से दरगाह साबिर पाक के बारे में और जितनी भी दरगाह हैं उन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मेरी अपडेट में आएगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।